हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कानपुर देहात के मूसा नगर स्थित केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम में 30वां और 7 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और केंद्रीय राजमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति व्यास गद्दी में बैठकर श्रोताओं को कथा का रसपान करा रही हैं और श्रीमद् भागवत कथा का आज चौथा दिन है और आज केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और व्यासपीठ को प्रणाम किया। वहीं केंद्रीय राजमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अमन गनी जी बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे। आज गुजरात के चुनाव का भी ऐलान हुआ है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहा है, हिमाचल और गुजरात में फिर से भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, क्योंकि कमल के फूल की आंधी चल रही है, भाजपा की आंधी चल रही है और मोदी जी के प्रति जो भरोसा है वो भरोसे की विजय की यात्रा अभी जारी है और आगे जारी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।